सबसे अच्छा है कि वो धार्मिक है, उनको कोई अपने दौलत या कुछ इसी लेकर नहीं मतलब नहीं है उनको, उनको पूरा मतलब है प्रजा से। कहता हूँ कि समाजवादी ही पार्टी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, हमारा तभी दायित्व बनेगा। इस बार साइकिल का सफाया होगा जी, मोहरा बनाया गया है किसानों को कुछ आतंकवादियों ने। मुझे नहीं लगता कि योगी को हटाना इतना संभव है, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। नमस्कार, R24 न्यूज पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जनता का रिव्यू करने के बाद हम लोग नोएडा पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जनता की आवाज खास कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं और यहां जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनका क्या मूड है। तो चलिए हम जनता से सवाल जवाब करेंगे और उनके मूड को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम जनता से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पीछे कुछ लोग बैठे हैं, तो भाई आपका नाम क्या है? राम बाबू कुमार। चाहे तो आप मास्क उतार भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जी जी। राम बाबू कुमार। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मूड लग रहा है इस बार? तो बीजेपी की मूड लग रही है जी। बीजेपी का मूड लग रहा है? तो बीजेपी वालों ने ऐसे पौने पांच साल में ऐसा क्या काम किया है कि आपको लगता है कि फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे? बहुत सारी काम किए योगी जी ने, जैसे कि महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं, थोड़ा आवाज, खास करके महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए योगी जी ने। और जैसे कि बहुत सारी एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, 4 या 5 एयरपोर्ट बने, तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं योगी जी ने। तो ऐसी संभावना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी जी आएंगे। तो युवा में तो खास गुस्सा दिख रहा है योगी जी के प्रति? हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश ही हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं। और अखिलेश यादव और मायावती, इन लोगों का क्या होगा इस बार? साइकिल का सफाया होगा जी। इस बार साइकिल का सफाया होगा। हाँ ठीक है, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम ललित चहार है। ललित चहार जी कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मैं आगरा से। आगरा से। तो क्या लग रहा है इस बार का मूड क्या है? इस बार का मूड जो मुझे महसूस हो रहा है, जो किसानों ने जो अभी किसानों का जो मोहरा बनाया गया है किसानों को कुछ आतंकवादियों ने, मुझे नहीं लगता कि योगी को हटाना इतना संभव है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। मानता हूँ अखिलेश यादव जी ने जो रोड दी है आगरा से लखनऊ देन जो दी है वो उनकी है, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि समाजवादी पार्टी सरकार में केवल यादवों का भला होता है और योगी आदित्य की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका भला होता है, सब जातियों का भला होता है। एक सेकंड, आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन था वो सुनियोजित था समाजवादी पार्टी, मायावती और विपक्षी दलों का? नहीं, इसमें शिकार कहीं ना कहीं किसान हुआ था और जो किसान शिकार हुआ था, जो विपक्षी दलों ने किन लोगों को कहां से नेपाल से लाए थे या पाकिस्तान बॉर्डर से लाए थे और किसानों को शिकार बनाया गया था, इसका शिकार किसान हुआ था। लेकिन आज देखा जाए तो आंदोलन समाप्त हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने सारे किसान कृषि कानून वापस ले लिए हैं और हो सकता है आगे चल के सरकार भी, किसान भी सरकार के साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ है। तो आपको क्या लगता है, किसान बिल मोदी जी ने वापस ले लिया तो ये जबरन किया गया या स्वेच्छा से फैसला लिया गया? ना, जबरन नहीं है, ये सारे किसानों की सहमति से ही हुआ है, कोई जबरन नहीं है। और कोई अगर विपक्षी दलों के कुछ नेतागण या बाहरी कुछ तत्व कहा जाए जो शरारत जो कर रहे हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में, मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी जगह गया उत्तर प्रदेश में, हर जिले में गया, लेकिन सभी जगह एक एक गाँव में भी मैं गया हूँ, वहाँ मेरे को यही महसूस हुआ है कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ना कि सरकार के द्वारा। सरकार ने तो भला किया, देखो आप MSP देखो कितना अच्छे तादाद में सारा बीज, नहरें चालू है। मुझे बता दो आप, अगर कोई सरकार थी वो या तो मायावती की थी या आपकी कल्याण सिंह जी की थी, सबसे अच्छा शासन चला, और या नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। तो आपको क्या लगता है योगी जी कहाँ से खड़े होंगे इस बार, सीट तय कर पा रहे हैं कि नहीं? ये तो देखो पार्टी, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो तय करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके भाजपा के JP नड्डा जी, वो तय करेंगे। और विपक्षी खेमा ये बोल रही है कि योगी जी एक सुरक्षित सीट अभी तक तलाश नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हार भी सकते हैं।
देखो विपक्ष के पास तो कोई बहाना नहीं है, इधर उधर की बात करने में लगे होते हैं। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव की सीट से आज लड़ा दिया जाए योगी को, मैं बता रहा हूँ एक तरफा मैच होगा, एक तरफा जीत होगा, अखिलेश यादव और योगी जी को टक्कर दे दिया जाए। आप आगरा से हैं, आपके बगल में मथुरा है, तो बड़ा आजकल मथुरा वाला मंदिर का केस ऊपर उठ गया है, इलेक्शन है, तो क्या लगता है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, बीजेपी को पूरा पूरा फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का मंदिर, राम मंदिर में भी फायदा पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, राम सेतु का भी अभी मामला आ रहा है उसमें भी भाजपा को मिल रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी जो दल है ना, वो कहीं ना कहीं हरकत से बाज नहीं आते हैं, वो हल्ला मचाते रहते हैं और उस हल्ला मचाने में किसी की साइकिल पंचर हो जाती है, तो किसी का हाथी डूब जाता है, किसी का नल बंद हो जाता है। तो दुनिया को मालूम है कि कमल तो खिलता ही है, कीचड़ में भी खिलता है, सुंदरता भी दिखाता है। तो देश में तो सुंदर एक कमल की पहचान एक आज नरेंद्र मोदी हैं, तो मैं मानता हूँ योगी की सरकार बनेगी, मतलब योगी की सरकार जबरदस्त तरीके से बनने वाली है, आप ऐसा मानते हैं? ना 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 ना, ये गलत फहमी है, विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैला रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं वही बोल रहा हूँ कि योगी जी की सरकार जबरदस्त तरीके से 2022 में फिर से आने वाली है। ना ना, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त मतलब अच्छे तरीके से। ना ना, अच्छे तरीके से आने वाली है, और उत्तर प्रदेश का किसान योगी की सरकार बनवा रहा है, किसान बनवा रहे हैं, लेकिन युवाओं में तो बहुत तकलीफ है, रोजगार नहीं मिला, परीक्षाएं कैंसिल हो। मुझे बताइए कौन सा रोजगार नहीं मिला? वो अगर वो युवा, अगर वो इस देश का युवा या उत्तर प्रदेश का युवा कहता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश की जब सरकार थी, जब युवाओं को कितना रोजगार दिया गया था, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। और योगी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कितने युवाओं को दिया गया, ये भी उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है। धन्यवाद, ये हमारे साथ भाई साहब थे और आगरा से थे, इन्होंने अपनी बात रखी। हम अभी नोएडा में खड़े हैं और लोगों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या रुख है, उनका मूड क्या है। तो भाई आप इधर आइए, आगे आइए, आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, यही नाम है ना आपका? नीतीश कुमार, हाँ जी। हाँ, तो बताइए आपका कहाँ से है? मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन नोएडा में पढ़ता हूँ, परी चौक। नोएडा में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं किस चीज की? फार्मेसी, बी फार्मा कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मूड क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? सुनने में आ रहा है योगी का सरकार बनेगी, योगी की सरकार बनेगी, आपको ऐसा सुनने में आया? आप तो यहाँ के वोटर है भी नहीं है? बनेगा, उन्हीं का बनेगा। कैसे मालूम है कि उन्हीं का बनेगा? अरे उनका अभी सब कुछ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, काम किया है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो तो देखे रहे हैं आप भी और हम भी। आप तो नोएडा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश घूम के देखे हैं कभी? नोएडा घूमे, इससे पता चल गया योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे काम किए हैं। आपको अगल बगल के लोगों से पता चलता है कि योगी जी इस बार आ सकते हैं? आएंगे ही आएंगे। भाई जी की बात थोड़ी रह गई थी, आइए भाई जी थोड़ा सामने आइए, आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि योगी जी कैसे आ रहे हैं। योगी जी हर क्षेत्र में विकास करें, मैं जैसे कि शुरू में ही बताया कि जैसे कि एयरपोर्ट बना, तो उससे केवल बीजेपी की थोड़ी फायदा होगा, उससे हर एक पार्टी को फायदा होगा। और जहां तक बात रही बेरोजगारी की, तो देखिए कोई भी सरकार, चाहे मतलब आज से 60 साल पीछे चले जाइए, आने वाली सरकार के जो आ रही है सरकार, या उसके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो 100% युवाओं को रोजगार दे दे, कोई भी सरकार नहीं है। 100% की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने बोले कि मतलब अभी आप बताया कि युवाओं में वो दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है योगी जी के खिलाफ, तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% युवाओं को रोजगार दे दे, 100% युवाओं को नौकरी दे दे। आप देखिए, एक मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें दिया हुआ था कि हर साल अपने हिंदुस्तान में 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के सिर्फ डिग्री लेते हैं, लेकिन उनमें से मात्र 3 से 3.5 लाख बच्चों को ही वो रोजगार मिल पाता है। तो लेकिन बीच में जो एग्जाम रद्द हुआ, परीक्षा कैंसिल हुआ और प्रश्न पत्र लीक हो गया था, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसका शिक्षा विभाग तो सरकार से ही जुड़ा हुआ है ना? जी बिल्कुल। और अखिलेश यादव भी जो उधर पूरा कुनबा बना रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, तो उनका क्या होगा? इस बार मैं शुरू में बताया था आपको कि सारी साइकिल टूटी फूटी जो भी साइकिल है वो इस बार पूरा टाली पर लाद के चली जाएगी बाहर। साइकिल टूटेगी, हाथी बैठ जाएगा। हाथी कहाँ बैठेगा, कमल खिलेगा फूल। अच्छा, कमल खिलेगा फूल। और भी लोग हैं मेरे साथ, अभी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम, आप कुछ बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? योगी जी। योगी जी, अखिलेश यादव नहीं? कैसे लगता है योगी जी जीतेंगे? योगी जी अच्छे कर रहे हैं जी सब कुछ, हम अनपढ़ आदमी, हमें तो पता ना, पर अच्छे कर रहे हैं जो। थोड़ा जोर से बोलिए।
योगी जी अच्छे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं जी। योगी जी अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा बढ़िया चमका दिया हिंदुस्तान को जी, हमें पता ना और आगे अनपढ़ आदमी जी। अनपढ़ अनपढ़ ही तो वोट तो नहीं देते, वोट देते हैं ना आप? है, हाँ जी। किसको देंगे वो? योगी जी को। योगी जी को, योगी जी को जिताएंगे। हमारे साथ और भी भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। इधर आइए भाई साहब, थोड़े रोशनी में आ जाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा पड़ेगा। प्रभात कुमार मिश्रा कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में पटना। पटना से हैं। राजनीति में दिलचस्पी है? नहीं उतना नहीं, लेकिन फिर भी सपोर्ट करते हैं बीजेपी का। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन आने वाला है? एकदम बीजेपी आएगा। कैसे लगता है आपको? बीजेपी आएंगे, क्योंकि योगी जी हर एक एंगल से सही है। अभी हर एक एंगल से सही है, उनका काम काज अच्छा रहा है क्या? अच्छा चला है, हर एक किसी को एक बराबर देखते हैं। ऐसा नहीं किसी को छोटा जाती है तो उसको आगे कर रहे हैं, बड़ा जाती है को छोटा कर, ऐसा कुछ उनका नहीं है, भेदभाव नहीं है। योगी जी का खास क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा? सबसे अच्छा है कि वो धार्मिक है, उनको कोई अपने दौलत या कुछ इसी लेकर नहीं है, मतलब नहीं है उनको, उनको पूरा मतलब है प्रजा से, मतलब निस्वार्थ भाव से काम करता है, उनको कोई दौलत से मतलब नहीं है। जो हमको इतना करोड़ों कमाना है, लाखों कमाना है, इस तरह कुछ नहीं है। आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हम बी ए पार्ट टू में। बी ए पार्ट टू में, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया नाम क्या आपका? सुगर सिंह। क्या लग रहा है इस बार यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में चुनाव होने वाला है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव के बाद रिजल्ट में क्या होगा? अब क्या होता है देखो, क्या करते हैं सरकार, क्या करे। आप क्या करेंगे सरकार को? कौन सी सरकार बनाएंगे? योगी की सरकार बनाएंगे, समाजवादी की सरकार बनाएंगे? समाजवादी की सरकार बढ़िया यूपी में, समाजवादी पार्टी की सरकार बढ़िया बनेगी। जैसे 2012 से 2017 तक समाजवादी की सरकार थी, उसी तरह से फिर रिपीट करना चाह रहे हैं? फिर रिपीट करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया है यूपी के लिए। अखिलेश जी हमारे माननीय नेता हैं यहाँ, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है। गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए समाजवादी पार्टी बढ़िया है। अखिलेश जी अगर बनेंगे मुख्यमंत्री तो आपको क्या सबसे पहले क्या मांग करेंगे कि ये अच्छा हो कर दे प्रदेश के लिए? वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। गरीबों के लिए क्या मांग करेंगे? गरीबी दूर करेंगे, हटाएंगे, लोगों को शिक्षा रोजगार देते हैं, गरीबों को नीचे से ऊपर ले आते हैं, गरीबों को ज्यादा महत्व देते हैं। आप कहाँ से आते हैं? अभी तो आप नोएडा में, आपका ऐसे आते कहाँ से हैं? मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से रहे हूँ। मैनपुरी समाजवादी का पूरा गढ़ है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल गढ़ है समाजवादी के गढ़ मैनपुरी से। आप आते हैं, चाहते हैं कि समाजवादी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने? कहता हूँ कि समाजवादी ही पार्टी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, हमारा तभी दायित्व बनेगा। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को आगे लाएं, और बहुत बढ़िया समाजवादी पार्टी को आगे। तो अभी हम नोएडा में खड़े हैं और जनता से बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उनका मूड जान रहे थे, और जनता से बात करते करते ऐसा लगा कि योगी के पक्ष में ज्यादा लोग बोल रहे हैं, उनकी सरकार चाह रहे हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।